संभल के ब्रो, संभल के, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। यस यू कैन डू इट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज पांचवा दिन है हमारी बेसिकली लेह की रोड ट्रिप चल रही है। मैं उसकी लोग को नहीं पता है, जो ये वीडियो पहला देख रहे हैं और उनको बता दूं, मेरी एक सीरीज चल रही है लद्दाख सीरीज ऑन May 2022। सो राइट नाउ आई एम इन लेह। सो अभी अपना ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ। प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, हम लोग 12 को निकले थे एंड मेरे साथ जो था संजीव सर और अर्षद भाई, दोनों लोग जा रहे थे पैंगोंग के लिए। हालांकि पैंगोंग अर्षद भाई पहले से घूमे हुए थे, सो अर्षद भाई सेड कि वो नहीं जाएंगे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप घूमे हुए, आपको दिक्कत, उनको थोड़ा सा एक फोटो सा निकला था, तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, आप मत जाओ यार। अभी हुआ क्या, संजीव सर बोल रहे हैं यार 225 किलोमीटर लेह से जाना फिर वापस आना, तो वो थोड़ा बोल रहे हैं कि हैक्टिक सीन है। लेकिन वॉट अबाउट मी, मेरे को तो पैंगोंग जाना है। अब मैं घर से 1400 किलोमीटर्स आया हूँ तो पैंगोंग तो जाऊँगा। सो आज मैं पैंगोंग की जर्नी अकेले स्टार्ट कर रहा हूँ। संजीव सर और अर्षद भाई रेस्ट करेंगे लेह में और मैं आज जाऊँगा पैंगोंग, देन वहाँ स्टे करूँगा, कल मॉर्निंग वहाँ से निकलूँगा फिर वापस आऊँगा। अभी बैकअप करते हैं एंड देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ सीधे बाइक पर। शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की ऊपर वाले का नाम लेके, जय भोलेनाथ, पैंगोंग लेक दिस साइड। ओके सो आई एम हेडिंग टूवर्ड द पैंगोंग लेक और एज पर द वेदर फोरकास्ट 40% चांसेस हैं कि ये जो है बारिश हो सकती है, तो आई डोंट नो कि होगी नहीं होगी। अब देखो वो तो डिपेंड करता है वेदर पे बेसिकली। 40% चांसेस हैं, फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि हाँ अगर एक बार को हो गई तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं अपना पूरा इंतज़ाम करके लाया हूँ, सारे रेन कोट्स, रेन कवर या फिर जो इन लाइनर वगैरह हैं, 3-4 बेसिकली रेन से बचाने के लिए अपने आप को वो चीज़ें मैं लेके आया हूँ जिससे कि मैं भीगूँ ना। प्लस स्पेयर कपड़े भी रखे लाया हूँ। हाँ, जो मेरा सारा लगेज था वो लेके नहीं आया हूँ, केवल और केवल टॉप बॉक्स लेके आया हूँ और जो बाकी का लगेज था वो मैंने होटल पे ही छोड़ दिया है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे ग्रैंड विलो में लेह में, क्योंकि वापस मुझे लेह आना है आफ्टर पैंगोंग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो उनको लेने का फ़ायदा कोई है नहीं। जो भी नेसेसरी सामान था, थोड़ा सा खाने का सामान और यू नो चार्जर हैं, पावर बैंक्स हैं, वो सारी मैंने रख लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेन कवर रख लिए और उसके अलावा थर्मल्स रख लिए हैं, गर्म कपड़े रख लिए हैं, क्योंकि जो मैंने देखा था वेदर फोरकास्ट पे अभी भी जब मैं मॉर्निंग में उठा था 7 बजे, तो आई हैव सीन कि जो चांगला पास है, चांगला पास पर एक्चुअली जो टेम्परेचर इस टाइम पे है वो -7 है। सो अगर हुआ वेदर ख़राब तो चांगला पास पर स्नोफॉल भी हो सकती है या फिर बारिश वगैरह कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो, क्योंकि वेदर इधर का टोटली अनप्रडिक्टेबल रहता है। आप प्रिडिक्ट कर रहे हो तो, लेकिन हो सकता है ना भी हो सकता है जितना आपने सोचा हो उससे ज़्यादा हो जाए, तो इसीलिए अपनी तैयारी करके चलना इज़ ज़्यादा बेटर। तो यहाँ पे आप एक जगह देख रहे हो, ये वाली, दिस वन, दिस इज़ एक्चुअली द मेडिटेशन सेंटर। यहाँ का लेह में दो हैं आई गेस, एक पीछे था एक यहाँ भी है। अरे निकालो ना भाई आगे, क्यों केबल हॉर्न दिए जा रहे हो, बड़ा परेशान करते हैं लोग, इनसे आगे निकालना ही बेटर है। और उधर आप देख रहे हो कितना क्लाउड हो रहा है, क्लाउड्स तो सामने भी हैं थोड़े बहुत एंड सबसे ज़्यादा जो क्लाउड्स हैं वो एक्चुअली इस एरिया में हैं जिधर एक्चुअली जो वाइट स्नो पीक्स हैं उधर। इज ग्राउंड्स, कितने कितने बड़े ग्राउंड्स हैं, ऐसा लगा जैसे वो किसी बेसिकली जो रेता होता ना उसके ग्राउंड्स, ऐसा लग रहा है इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। ये बेसिकली थिक से एक विलेज पड़ता है जब आप लेह से निकलते हो, और थिक से निकलने के बाद का ये नज़ारा है सारा जो आप देख रहे हो। लेकिन फिलहाल अभी आगे जो रास्ता बेसिकली टर्न होगा वो मनाली का जो हाईवे आप लेते हो लेह से, उसी लेह और मनाली हाईवे पे आपको कारू विलेज से एक्चुअली मुड़ना होता है टूवर्ड्स पैंगोंग। अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं खारू में, मतलब मैं और आप लोग जो हमारी वर्चुअल जर्नी को देख रहे हैं वो लोग। सो दिस इज़ खारू विलेज, यहाँ से हमको टर्न लेना है टूवर्ड पैंगोंग लेक लिया था। यहाँ से दिखा रहा है 113 किलोमीटर एज पर दी यू नो रोड्स, बट गूगल मैप दिखा रहा है 220, आई डोंट नो वाई, शायद वो सेंटर पॉइंट दिखा रहा है पैंगोंग लेक का इसीलिए, बट वी डोंट नो क्या सीन है। लेकिन अभी पूछना पड़ेगा, आई गेस पैंगोंग का रास्ता इधर वाला है बेसिकली। खारू पहुँचने का दो रूट जो आता है डबल, आपने टर्न लेना है लेफ्ट हैंड पे, तो जो लेफ्ट हैंड का रास्ता है वो है एक्चुअली पैंगोंग का एंड वो वाला रास्ता जो जा रहा है वो जा रहा है मनाली एक्चुअली। यहाँ पे रुकना पड़ेगा, शायद एंट्री होगी, इधर पुलिस पोस्ट है, इधर एंट्री करना पड़ेगा आई गेस। लेट्स सी क्या किस बात की एंट्री होती है इधर। हो
हाँ हाँ शिवम गुप्ता। सॉरी वो दिखाना है क्या मेरे को? दिखाना है जी। गुप्ता बाइक नंबर नॉट गुप्ता शिवम गुप्ता। ओके बाइक नंबर HR26ER0697। लीजिए सॉरी नीचे वाला पैसा कट गया ना। ये मैंने जिसके थ्रू बनवाया था उसने मुझे इतना ही सेंड किया था। उसने कहा था अगर कोई बोलता तो स्कैन कोड उसमें दिया, बार कोड के थ्रू स्कैन कर लेना। सॉरी एक होटल का मेरा बंदा था उसने बनवा के लाके दिया था मेरे को। अच्छा। हाँ तो डॉक्यूमेंट गेट चेक्ड भाई। डॉक्यूमेंट चेक हो गया, बेसिकली जो पास बनवाया था मैंने वो उन्होंने चेक किया था। एक ही भाई थे पुलिस वाले बेचारा हॉर्न मारते रहे वो नहीं रोक के दे रहे थे। खैर अपने डॉक्यूमेंट चेक हो चुके हैं, उन्होंने स्कैन करके देखा एक बार उसको जो बेसिकली उस पर स्कैन कोड दिया हुआ था पास पे, एंड देन स्कैन करने के बाद हमको मेरे को जाने दिया। सो जो पास है जो परमिट है एक्चुअली वो आपको ले में चाहिए होता है पूरी इनर लाइन घूमने के लिए जो भी आपके रिमोट एरियाज है, जस्ट लाइक यू नो हानले है, TSO मोरेरी है। यहाँ पर अभी आप देखो एकदम से धूप थी और आई गेस मुश्किल से आधा घंटा हुआ है और सामने की पहाड़ियों पे आप देख रहे हो कितने बादल आ रखे हैं, मतलब पूरा ऐसे बादलों से ढक गया वो। और चांगला जो था यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 33 किलोमीटर रह गया है, उसकी जो ठंडक है मेरे को अभी फील हो रही है, तो मतलब हवा लग रही है वो काफ़ी ठंडी है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ कि अब कहीं पे एक स्टॉप लेके अपना जो इनलाइनर है या फिर एक वार्मर है वो अंदर बॉडी में डाल लूँ, लेकिन वार्मर से बेटर है इनलाइनर डाल के वार्मर डालना, क्योंकि भाई इनलाइनर क्या है एक्चुअली वो थोड़ा सा आपका जो हवा है उसको रोकेगा। ओहो वरीला पास पेंगोंग 104। ओके वरीला पास है उधर, ठीक है। सो पेंगोंग का रास्ता ये वाला है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन यार जब ये ऐसे रास्ते आते हैं मन नहीं करता कि मैं उसको स्किप करूँ, फिर मन करता कि हाँ इसको भी रिकॉर्ड करूँ। ये भी एक जगह है जो कि हिंदुस्तान में जहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे आते हैं, जहाँ पे कुछ नेचर ऐसा है। लेट मी शो यू वन थिंग, अगर पॉसिबल हुई तो नीचे एक नेचुरल स्विमिंग पूल था, अब वो शायद पीछे निकल गया, अभी नहीं दिख रहा मुझे। हाँ पीछे निकल गया अब वो, अभी नहीं दिख रहा है। हुआ पॉसिबल तो कल दिखाऊँगा, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड वो जो रास्ता जा रहा है उधर आपको लाइन दिख रही होगी वो वाली, उधर हमें जाना है पूरा ये क्रॉस करते करते करते। और जो सामने जो एक्चुअली शायद मुझे लगता है चांगला पास उधर ही होगा कहीं पे जिधर आइस है, क्योंकि इधर तो टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं है, वो आइस देख के लग रहा है उधर ही कहीं पे चांगला पास होगा, क्योंकि मैं कभी नहीं आया हूँ, मैं पहली बार है मेरा। सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। अभी तक की राइड जो है बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि रोड्स कहीं पे भी ख़राब नहीं मिले हैं, एकदम बढ़िया रोड्स हैं, जो कि ब्रो का कमाल है। सो सल्यूट टू ब्रो फॉर गिविंग अस दीज रोड्स जो आपने बनाए हैं उसके लिए। ब्रो इज़ द ओनली वन जिसने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया हुआ है। सो सल्यूट टू ब्रो। थोड़ा ठंड यहाँ पे बढ़ गई तो मुझे रुकना पड़ा, और फिर मैंने अपनी जैकेट पहनी, इनलाइनर लगाया, वो सब करने के बाद ग्लव्स भी चेंज करे, जो बेसिकली वार्म वाले ग्लव्स थे वो निकाले। एंड आई हैव ट्राइड टू फ्लाई माई ड्रोन हेयर, बट अनफॉर्चुनेटली ड्रोन का एक मोटर काम करना बंद कर गया है, तो फिर आई डोंट नो क्या दिक्कत हुई है उसमें। अब वो पेंगोंग जाके ही बात करूँगा अगर वहाँ नेटवर्क मिलता है तो, जिस डीलर से लिया था उससे पूछूँगा कि भाई क्या इशू हो सकता है, सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ कि सॉल्व नहीं हुआ तो फिर
आई विल नॉट बी एबल टू टेक एनी ड्रोन शॉट इन माई वीडियोज, क्योंकि भाई यहाँ पे तो कहीं से कहीं तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसके सही हो पाने की। अगर वो खुद से हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे खड़े खड़े आधा घंटा हो चुका है, मेरी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए था जो कि मिल गया है। तो पैच ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर का पैच था जो कि एकदम बढ़िया पैच था, वहाँ पे मैंने यूँ चुटकियों में रास्ता कवर कर लिया। लेकिन अब उसके बाद जो पैच पड़ा है ये टोटली ऑफ रोड है। अभी तक फ़िलहाल 3-4 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ इसमें, एंड इधर कंस्ट्रक्शन बेसिकली जारी है। सो आने वाले सालों में ये भी जो है कच्चा नहीं रहेगा, ऑफ रोड जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये ऑफ रोड है। और आई डोंट नो ये कहाँ तक है ऑफ रोड ये वाला, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, क्योंकि भाई ये रास्ता ईजी नहीं है। आई थिंक शायद संजीव सर ने सही डिसीजन लिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा थके हुए थे। थका तो मैं भी था, लेकिन यार देखो मैं जब यहाँ तक आया था तो मैंने सोचा जब इतना थका हुआ हूँ तो पैंगोंग तो जाऊँगा ज़रूर, बस 200 किलोमीटर की वजह से मैं पैंगोंग को नहीं छोड़ सकता, तो फिर इतना तो चलता है। जब आप एडवेंचर करने आए हो तो फिर थकान मैटर नहीं करती है। अगर आपको घूमने का शौक़ है और आपको एडवेंचर करना है तो देन यू हैव टू डू इट एंड यू कैन डू इट। फाइनली टर्मैक अगेन, लेकिन ये टर्मैक भी ऐसा ही है टूटा फूटा। किधर जा रहे हैं आप लोग? पैंगोंग। चलिए मैं भी साथ ही चलूँगा, फिर अकेला हूँ मैं भी। हाँ चांगला पे ना, हाँ क्योंकि कल मैंने देखा था कल -10 था आज मॉर्निंग में। मेरे साथ वाले आई नहीं यार एक्चुअली, हाँ वो मना कर दिए, बोल रहे थके हुए मैं नहीं जाऊँगा। यू केम ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव? हाँ कहाँ से? गुड़गांव से। हाँ हाँ नहीं अकेला नहीं हूँ, पांच लोग है टोटल। वो क्यों नहीं है? वो था इस सारे थके हुए। संभल के भाई संभल के। क्या पत्थर लग गया? कोई नहीं, चोट तो नहीं लगी इस हाथ में, तो नहीं लगी इस वाले में, लग गई है। एक मिनट में, वो बैंडेड है, इसमें बैंडेड रिक्वायर्ड है। हमने ज्वाइन कर लिया आपको। वो एक्चुअली वो उड़ के आ रही है इधर की तरफ, अभी कैमरे में नहीं दिख रही होगी क्योंकि वो थोड़ी बहुत तेजी से नो काइंड ऑफ यू नो रुई टाइप की आ रही है, नो कॉटन टाइप की, इसने जो उड़ उड़ के आ रही है हवा के साथ में, सो वो इसीलिए विजिबल नहीं होगी कैमरे में। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हाँ हमें आगे स्नो फॉल मिल जाए, तो इसके लिए मैं अपना तैयारी जो बताया था करके आया हूँ। अगर मिलती है तो मैं रेनकोट वगैरह अपना पहन लूँगा सारा। एंड हाँ चलो भाई क्या हुआ, आई हैव टेकन अ स्टॉप। आप देख रहे हो क्या नज़ारे, और स्नो उड़ के आ रही है, मतलब फेस पे लग रही है कि ठंडा ठंडा फील हो रहा है मैं दूर से मेरे को। भाई मई में, मतलब वो भी 16 मई, मतलब आधा मई निकल चुका है, और अभी चांगला पास पे आप देख रहे हो कितनी सारी स्नो है। मतलब आगे आप देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, जस्ट शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। सामने देखो भाई क्या नज़ारे हैं यार, और इतना ठंडा वेदर, आई कैन टेल यू इस टाइम पे यहाँ पे -3 हो रहा है, एंड आगे का टेम्परेचर और भी ठंडा होने वाला है, और भी नीचे डाउन जाने वाला है। सी मे बिहाइंड वाइट स्नो एकदम से, भाई कितना ज़्यादा है, और स्नो फॉल आपको दिख रहा है। अभी मैं हूँ चांगला पास पे, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, मई के महीने में स्नो फॉल देखने को मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, ऑसम। प्रेयर फ्लैग्स इधर बंधे हुए हैं बहुत सारे, ये मोस्टली एक्चुअली यहाँ पे बहुत जगह मिल जाते हैं।
आई डोंट नो व्हाई। इधर थोड़ा स्लश मिल गया है और यहाँ पे एक्चुअली ब्लैक आइस भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के निकालना पड़ेगा। यही एक माइनस पॉइंट रह गया, बस यहीं पे सही से निकल गई तो बिल्कुल आगे तो थोड़ी देर का ही आई गेस। ऐसे स्पाइक्स जम रखे हैं यहाँ पे। संभल के ब्रो संभल के, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यस यू कैन डू इट, या आराम से आराम से। संभल के, और बोलते टाइम मेरी सांस फूल रही है इसीलिए कम ही बोल पा रहा हूँ। आगे आप देख रहे हो रोड पे कितनी ज़्यादा ब्लैक आइज यहाँ पे जमी हुई है। दिस इज़ रियली एडवेंचर मैन, और ऐसा एडवेंचर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं करा है। दिस इज़ वर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, एंड क्योंकि पहली बार लद्दाख आया हूँ तो पहली बार इधर जाऊँगा, और उसके बाद एक बार अभी रास्ते से रूबरू हो जाऊँगा, फिर तो आते जाते रहेंगे। ये नज़ारे बस देखने लायक हैं यार, इनको देखते रहो देखते रहो, ऐसा मन कर रहा है। आई डोंट नो इफ वी आर गोइंग टूवर्ड दैट, यू नो इतना सारा स्नो वाला एरिया, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है उधर ही जाना है। वो जो पहाड़ है उस साइड शायद नहीं, या फिर उधर कहीं से रास्ता निकल रहा है, वो सामने जो बसेस जा रही हैं। लिटरली आई हैव नेवर थॉट कि मई के महीने में मुझे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे, और इतना सारा बर्फ यहाँ पे अभी भी है, इतना स्नो देखने को मिलेगा। मन नहीं कर रहा जाने का स्नो में, दिल कह रहा है जाऊँ लेकिन मन नहीं कह रहा है। पहले पेंगोंग पहुँच ले वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं थक रहा हूँ और भूख भी लगी है। सो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग कि कुछ खाने को मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी सारी की सारी वादियाँ सफ़ेद हैं यहाँ पर बिल्कुल ही, हो धूल नहीं है, ये फॉग है एक्चुअली। फॉग यहाँ पे उड़ रही है ऐसे रोडों के बिल्कुल नीचे नीचे तले पे। आई गेस आई गॉट समथिंग टू ईट। ये क्या है एक्चुअली, डिफिकल्ट राम। सो ये है चांगला कैफेटेरिया। सो आई हैव फाइनली रीच चांगला यार, वो भी अकेले। सो राइट नाउ आई एम इन द चांगला कैफेटेरिया। सो बिफोर हैविंग एनी काइंड ऑफ फोटोज और ऑल थिंग्स, आई थॉट कि चाय पी जाए और एक मैगी खाई जाए। And yes, this is the very first time मैं इतनी high altitude पे आया हूँ, and I can feel the headache, that lack of you know oxygen here, क्योंकि बोलते टाइम जब आप बोल रहे होते तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। सो कम से कम बोलना इज़ बेटर फॉर यू, एंड कम से कम चलना इज़ बेटर फॉर यू एट दिस मच ऑफ altitude। सो अभी इधर से मैगी वैगी खाएंगे, कुछ खाने के बाद देन विल गो टू दी जो चांगला का बेसिकली यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे एंड वहाँ पे जाके फोटो खींचेंगे। टाइम टू लीव चांगला पास, और यहाँ से निकलूँगा मैं और सीधे अभी रुकूँगा, स्टॉप लूँगा अप्रॉक्सीमेटली 25-30 किलोमीटर्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी मेरी जो बॉडी है वो थक जा रही है। एंड कुछ लोग और टेकिंग स्नैप्स ऑन माई बाइक। द टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12:38, सो आई विल लीविंग विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। सी द वैली, दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग मैन, ट्रूली अमेजिंग।